ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 19 अप्रैल 2022 है, जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो बी ऑप्शन में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और अब देख लेते हैं FIH क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसका मुख्यालय है लुसाने, जो स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और सीईओ हैं थियरी वेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ान योजना, सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इजराइल। इजराइल जो है एशिया महादेश में आता है और इसकी राजधानी है जेरूसलम, और इसकी करेंसी का नाम है सेकेल। प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति है इसाक हरगोज। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनीषा कपूर। ASCI का पूरा नाम होता है एडवर्सेटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष है सुभाष कामठी। उसके बाद छठा क्वेश्चन करें, सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। EDAR का पूरा अर्थ होता है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय यह नितिन गडकरी है, इसके मंत्री जो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के नितिन गडकरी है। उसके बाद करें, अंतर मंत्रीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो राइट आंसर इसका हर्ष श्रृंगला हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद करें, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 शहरों को किया है। इसके बाद कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। उसके बाद अगला कह रहा है, NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में NHPC हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं, राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने हैं वे हैं राजा परवेज अशरफ। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में सोने की सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है। तो सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चाइना बन गया है।
अब कुछ 18 अप्रैल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा, तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद कह रहे हैं टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एन चंद्रशेखरन। उसके बाद कह रहे हैं विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। पोइला बैसाख कहाँ मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा बांग्लादेश में मनाया जाता है, जो 9 वर्ष है, पोइला बैसाख प्रकार का 9 वर्ष है। उसके बाद कह रहे हैं 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बी आंसर सही होगा। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई में शुरू हुआ है। उसके बाद कह रहा है मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, प्रभात पटनायक को किया गया है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो राइट आंसर इसका पंजाब होगा। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, यह यूक्रेन से संबंधित है। थैंक यू।